आज के लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि हमको एक फंक्शन बनाना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम आर्गुमेंट इस तरीके से पास करेंगे एज अ मैंगो। मुझे एक आर्गुमेंट पास करना है और जब वो फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो इस तरीके से वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं गया फंक्शन और फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ टैक्स। ठीक है, यहाँ मैंने फंक्शन बनाया। अब उसके बाद अब ये रिटर्न फंक्शन है तो मैं कंसोल डॉट लॉग में इस फंक्शन को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्स लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ जो कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है मैंगो। ये आर्गुमेंट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये आर्गुमेंट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करूँगा txt। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न txt, ताकि समझ में txt के पास क्या आया। अब txt के पास मैंगो आया हुआ है। ठीक है, मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप मेरा यह है कि जो मुझे मैंगो आया है मुझे इसको स्प्लिट करना है एरे में, मतलब मुझे ये जो टैक्स आया हुआ है इसको एरे में कन्वर्ट करना है। एरे में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर फॉरिच लूप घुमाने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉरिच लूप घुमाने के लिए सबसे पहले मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे गया लेट न्यू txt इक्वल टू टैक्स डॉट split। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न किया। अब ये जो मेरा टैक्स था मैंगो, अब ये एक एरे में कन्वर्ट हो गया है। एरे की एक एक एलिमेंट में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करना है, मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है जिसमें मैं ये वैल्यू एक एक करके ऐड करवा दूंगा फॉर लूप की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट न्यू str इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर फॉरिच लूप घुमाना है। मैं यहाँ पे ये गया, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया फॉर ईच। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा जो इसकी एक एक वैल्यू को होल्ड करेगा। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, आ गया ये आउटपुट। अब देखना mango ये पूरा एक एक करके आ गया है। ठीक है, अब मेरा पहला स्टेप क्या है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ इसको इसके अंदर मुझे ऐड करना है। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, ये मैंने इसको डाला और मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू दिस, ये पूरा के पूरा वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देगा। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया तो मैंगो मेरे पास वापस से आ गया है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको स्प्लिट भी कर दिया, मैंने इसको फॉरिच में भी घुमा दिया, फिर वापस से मैंने इसको खाली स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दिया। तो मेरा पहला स्टेप ख़त्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे 0, 1, 2, 3 इन बिटवीन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल एक इंडेक्स, एक और मैं यहाँ पे पैरामीटर लूँगा इंडेक्स, जो क्या करेगा मेरे वैल की, मतलब मेरी एक एक एरी की वैल्यू का इंडेक्स नंबर होल्ड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस, सिर्फ मुझे प्लस इंडेक्स करना है, दैट्स इट, हो गया। m0a192g30 और लास्ट में 4 आ रहा है। बट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लास्ट में मुझे सिर्फ 3 और o चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास एक स्लाइस मेथड होता है, मैं स्लाइस मेथड यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं 0 पास करूँगा कि आप 0 से स्टार्ट हो जाओ, और यहाँ पे मैं काउंट करूँगा कि टोटल वैल्यू कितनी है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 है तो मैं यहाँ पे 9 पास करूँगा, क्योंकि वो 9 को नहीं लेगा, लास्ट वैल्यू को नहीं लेगा, जो हम देते हैं वो उसके अंदर की लेगा। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो मेरा आउटपुट आ गया जैसा मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन था जो इंटरव्यू में पूछा गया था, ये वाला, इस तरीके से आउटपुट आपको निकालना है। ठीक है।